वेलकम व्यूअर्स। और जैसा कि मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में व्यू का, तो दोस्तों मुझे लगता है यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, पुट लेने से पहले आप लोग 5 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत कुछ समझने को सीखने को जरूर मिलने वाला है। सो मैं थोड़ा फास्ट बताऊँगा क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है मुझे। सो फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है ये, कोई बाय सेल होल्ड के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहला लॉजिक आपको समझना है दोस्तों, रिलायंस का रिजल्ट आया है, उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट या जो भी उसका जो भी निर्णय होगा वो हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। और बम्पर बढ़िया रिजल्ट आया है और ये हैवी वेट है निफ्टी के अंदर। और ब्रोकरेज दोस्तों इसका टारगेट 2926 रुपये का दे रहे हैं, तो आपको समझना है कि कितना स्ट्रेंथ अभी इसके अंदर बाकी है। सेम दोस्तों अगर हम लास्ट कैंडल की बात करें तो वो पॉजिटिव बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये भी लॉजिक मैच कर रहा है कि मीन्स 3 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है और 2450 से नीचे जाएगा तभी ये वीक होगा। दूसरा हैवी वेट दोस्तों HDFC बैंक है और उसका जो टारगेट बताया जा रहा है ब्रोकरेज की फर्म की तरफ से 2000 से ऊपर के टारगेट बताए जा रहे हैं। और अगर हम इसका भी चार्ट देखें दोस्तों तो इसके अंदर तो मुझे बुलिश पैटर्न भी दिख रहा है। अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो देखिए आप बिल्कुल अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, ग्रीन कैंडल बनी है, 1484 से नीचे जाएगा तभी ये वीक होगा। थर्ड जो मेजर स्टॉक है दोस्तों वो इन्फोसिस, और उसके ऊपर भी न्यूज निकल के आ रही है, कोई पुरानी न्यूज नहीं है दोस्तों, आज ही की न्यूज है, तो वो भी अपने बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, आगे पाइपलाइन में डील्स वगैरह उनकी ऑन गोइंग है। और चार्ट की बात करें दोस्तों लगातार रेड कैंडल बनाने के बाद आप देखिए जहाँ पर उसका गैप था उसने वो गैप को फिल कर लिया है, और अगर ये 1776 से नीचे ट्रेड करेगा तभी कमज़ोर होगा, नहीं तो इसके अंदर भी एक रिवर्सल के साइन मिलते हैं यहाँ पर। थर्ड बात करूँगा दोस्तों ICICI बैंक के रिजल्ट आए हैं, उसका इम्पैक्ट भी हमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। अच्छा खासा नंबर आया है, 25% ARN बेस पे प्रॉफिट राइज हुआ है दोस्तों, तो ये भी एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हैं। और देखिए दोस्तों सेम चार्ट भी थोड़ा बुलिश पैटर्न बना चुका है, W पैटर्न का यह है, और ये रीटेस्ट करके फिर ब्रेकआउट देगा तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा दोस्तों, 1000 रुपये तक के टारगेट इसके अंदर शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। सो आपको ये समझना है, यहाँ से भी हमें पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। मैं आपको पहले सिनेरियो बता रहा हूँ उसके बाद आपको लॉजिक बताऊँगा। साथ साथ HDFC कैपिटल के बारे में भी पॉजिटिव ही न्यूज आ रही है, तगड़े रिजल्ट भी आने वाले हैं दोस्तों 24 तारीख में, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम है एक्सिस बैंक का। और देखिए बाकी भी नाम देख लीजिए, HDFC AMC रेमको बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं एक्सिस बैंक में फोकस रखूँगा। और दोस्तों जो एनालिस्ट का व्यू है इसके अंदर 200% तक का पैट जंप हो सकता है, और बैंक के रिजल्ट चाहे HDFC के हों चाहे ICICI के हों अच्छे ही आए हैं, यस बैंक के तक अच्छा आए हैं, तो हम एक्सिस बैंक से भी उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे आएंगे एज़ पर द ट्रेंड जो बैंकिंग सेक्टर का रिजल्ट आ रहा है उसके बेस पे। और अगर हम एक्सिस बैंक का चार्ट देखें दोस्तों तो ये भी एक W पैटर्न फॉर्म कर रहा था, मगर ये उसको सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पर आ गया है। और आप देखिए अब यहाँ पर छोटा सा ये W पैटर्न या डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना रहा है यहाँ पर, अगर ये इसके नीचे नहीं जाता है 708 रुपये से नीचे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट उसके अंदर भी आ सकता है, सो ये भी एक बुलिश सिग्नल होगा। सो अब लॉजिक में बात करते हैं दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आई नो उनके बेस पे चलता है, बट स्टॉक के अंदर अगर पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो उसका इम्पैक्ट ही निफ्टी और निफ्टी बैंक के अंदर आता है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। और निफ्टी ने जो अपना एक पोजीशन होल्ड करी है 17600 से ऊपर क्लोजिंग देना दोस्तों, वो एक कहीं ना कहीं दर्शाता है लास्ट एक घंटे के अंदर जो बाइंग आई है कि भैया वो 17600 से नीचे क्लोज होने नहीं दे रहे हैं इसको। सो कहीं ना कहीं इसके अंदर फर्दर अपमूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं, पॉजिटिव कैंडल बनी है अगर हम आवर्ली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो। और सबसे बड़ा पॉइंट निफ्टी के अंदर मैं आपको बता दूँ, जब तक निफ्टी 17500 के नीचे दोस्तों एक आध घंटा सस्टेन नहीं होता है तब तक हम उसके अंदर रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं पूरी तरह, और 18100 तक के टारगेट इसके अंदर आ सकते हैं 10 दिन के अंदर। और साथ साथ आपको एक दिमाग में एक पॉइंट और रखना है, आने वाला है बजट, उसमें भी 8-10 दिन का टाइम है, तो 8-10 दिन के टाइम पर अगर ये 18000 तक मार्केट को ले जाते हैं तो उसके बाद एक बजट की रैली उम्मीद कर सकते हैं जो न्यू हाई लगाएगी मार्केट में, अगर हम इसको भी क्लब करें अपने पूरे लॉजिक के साथ तो। सो आपको एक चीज़ समझ में आ गई, 17500 से नीचे जाएगा एक घंटा रहेगा
उसके बाद ही हम थोड़ा सा बेयरिश हो सकते हैं। जब तक 17,500 से नीचे एक घंटा नहीं है तब तक कहीं से भी एक बड़ा रिवर्सल और फास्ट रिवर्सल आ सकता है। सो ट्रैप मत होइएगा, मेरा सिर्फ इतना कहना है। बैंक निफ्टी भी देखते हैं। बैंक निफ्टी ने भी दोस्तों अपना 37,500 का लेवल होल्ड करने का काम किया है। छोटी सी ग्रीन डोजी टाइप की कैंडल बनी है और एक चीज़ इसमें बिल्कुल क्लियर है, 37,200 के नीचे जाएगा तभी पुट के लिए सोचना है, उससे पहले नहीं सोचना है, उससे पहले बाइंग ही सोचनी है। क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बताए हैं, रिलायंस, HDFC, एक्सिस, ICIC, इन्फोसिस, ये सारे दोस्तों दिग्गज हैं मार्केट के, आपको इस लॉजिक के साथ समझना है चीज़ों को। मैं एक बात भी ये भी जानता हूँ दोस्तों, अभी HDFC निफ्टी डाउन दिख रहा है 150-200 पॉइंट, तो दोस्तों जो ग्लोबल मार्केट होता है वो ओपनिंग डिसाइड कर सकते हैं कि भैया गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, उसके बेस पे होता है। लेकिन मार्केट को तो फर्दर बाइंग और सेलिंग के मोड पे ही आगे बढ़ना होता है, तो आपको ये समझना है गैप डाउन होगा तो बाइंग आएगी नहीं आएगी, उसका लॉजिक होना चाहिए हमारे पीछे। क्या मार्केट सपोर्ट के पास है? जी हाँ, बिल्कुल सपोर्ट के पास है और अहम सपोर्ट के पास है, दोनों के दोनों। यहाँ से नीचे जाते ही मार्केट का जो ट्रेंड है वो पूरी तरह डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको ये समझना है। और जो गवर्नमेंट का भी प्लान है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, बजट से पहले इतना बुरी तरह मार्केट को नहीं पीटा जाएगा जो मुझे भी लगता है। और आने में 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर बजट है दोस्तों, सो जाहिर सी बात है हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। फोकस रहेगा दोस्तों, अगर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर में, अच्छा खासा मेरे को फर्दर एक्सपेंड की उम्मीद है। और आप लोगों का क्या व्यू है आप लोग कमेंट पे जरूर बताना। अगर लॉजिक समझ में आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों लाइव मार्केट के अंदर। मैं उसके अंदर बाय या सेल तो नहीं बताऊँगा आपको, बट जो भी टेक्निकल व्यू या सिग्नल मिलेंगे मैं आपको बिल्कुल शेयर कर दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।